हाँ जी चलो, सो ये चैप्टर 16 आपका न्यू सिलेबस के हिसाब से, चैप्टर 14 अगर आप देखते हैं तो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से है ना। जो भी अपन लोग ये मॉड्यूल आपके सामने, जो दिस इज न्यू सिलेबस वाला मॉड्यूल, ओल्ड सिलेबस में चैप्टर 14 है, कंटेंट सेम है। इसमें कुछ एडिशंस हैं, जो एडिशंस हैं वो मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा है ना। बट एनीवे अभी तो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं सब कॉमन वाला पार्ट है। चलिए अब फटाफट देखना जरा डायरेक्टर। हाँ सो सबसे पहले कौन होता है डायरेक्टर, कौन बन सकता है डायरेक्टर? हाँ जी, अरे तो भाग क्यों रहा है डायरेक्टर? हाँ हाँ जी, सो समवन हु इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। अपॉइंटेड टू द बोर्ड मतलब जिसको आपने बोर्ड मेंबर बनाया, बाय डिफॉल्ट वो कौन बन जाता है? डायरेक्टर है। अच्छा, टू बी अ डायरेक्टर क्या जरूरी है? डिन। सेकंड, कौन डायरेक्टर बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल पर्सन, एक इंडिविजुअल हु इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम अ डायरेक्टर। किसी बॉडी कॉर्पोरेट को डिन मिल सकता है? सवाल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? नेचुरल पर्सन को। सो टू बिकम अ डायरेक्टर यू नीड टू हैव अ डिन। सेकंड, You need to be a natural person to obtain DIN. So सिर्फ एक natural person basically director बन सकता है। कितने तरीके के directors? दो। कौन से? Executive और non-executive। Who is the executive director of the company? हाँ, someone who is in whole time employment of the company। Is an executive director. Who is a non-executive director? हाँ, simple. Who only participates in the board meeting of the company. सिर्फ और सिर्फ कंपनी की बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है as a non-executive director. अच्छा, वैसे से होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कंपनी के मतलब अपना फुल टाइम डिवोशन डेडिकेशन सब किसको दे रहा है? कंपनी को दे रहा है ना, इज अ होल टाइम डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव क्या करता है? सिर्फ बोर्ड मीटिंग टू बोर्ड मीटिंग पार्टिसिपेट करता है, और जब बोर्ड मीटिंग खत्म होती है उसका काम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब बोर्ड मीटिंग होती है वापस ही अटेंड मीटिंग एंड डन। हाँ जी, सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नॉन एग्जीक्यूटिव से बोर्ड मीटिंग टू बोर्ड मीटिंग पार्टिसिपेट करता है, इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अच्छा, उसके बाद फिर आप जितने भी डायरेक्टर्स की बात करते हैं, एडिशनल डायरेक्टर है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर है, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर है, नॉमिनी डायरेक्टर है, फर्स्ट डायरेक्टर है, राइट। ये सारे के सारे क्या है? किसी न किसी डायरेक्टर की सब टाइप है। फिर वो हो सकता है या तो एग्जीक्यूटिव हो या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव हो। एग्जीक्यूटिव यूजुअली दो और कैटेगरीज में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, पहला कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर, दूसरा कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर। ये दोनों कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी? वेरी नाइस, समवन हु हैज गॉट सब्सटेंशियल पावर्स विद रिस्पेक्ट टू द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। हु इज अ होल टाइम डायरेक्टर? अ डायरेक्टर इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। सो दो ऑफिसेस, पहला ही इज अ डायरेक्टर। अच्छा, व्हेन यू से जस्ट अ डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, ही इज जस्ट अ डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव। हमेशा अगर आपने सिर्फ वर्ड डायरेक्टर बोला ना मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव है। अगर आप बोलते हो एग्जीक्यूटिव है स्पेसिफाइड, राइट, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है? होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। सो दोनों कंडीशंस फुलफिल करता है, यू बिकम अ होल टाइम डायरेक्टर। सो ये दोनों कौन सी कैटेगरीज है आपकी? एग्जीक्यूटिव की। इसके अलावा बाकी जो भी जितने भी आप पढ़ोगे सबके सब कौन है? आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है। ये पार्ट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को भी? अच्छा, आगे देखना, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, सॉरी नंबर ऑफ, हाँ डायरेक्टर्स, कितने डायरेक्टर्स एक कंपनी में हो सकते हैं? सो तीन कंपनीज, ओपीसी कितना मिनिमम? वन, प्राइवेट टू, पब्लिक थ्री। ये तो कम से कम हो गए, मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 15। 15 से आगे जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन, कौन पास करेगा? हाँ, मतलब जो कंपनी 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करना चाहती है, इट विल पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड कैन अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स। 15 के आगे कहां तक जा सकते हैं? कितने भी, ओके, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 20 मेंबर्स, कितने 25 डायरेक्टर्स, 20 मेंबर्स 25 डायरेक्टर्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एवरीवन मेंबर्स कम डायरेक्टर्स ज़्यादा, श्योर एवरीवन। अच्छा, और इसमें से एक भी एग्जीक्यूटिव नहीं है, सारे नॉन एग्जीक्यूटिव है, सारे नॉन एग्जीक्यूटिव है, ये नहीं चलेगा। हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ अस हैव अ प्रॉब्लम हैविंग 25 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इन अ कंपनी हैविंग 20 मेंबर्स? वन। किसको दिक्कत है? नहीं चल सकता है, 25 नॉन एग्जीक्यूटिव हैं। हाँ जी, क्या दिक्कत? एक होल टाइम होना चाहिए, 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 एक होल टाइम होना चाहिए। क्यों? एम्प्लॉइज, मतलब एम्प्लॉइज डे टू डे फेयर एक्टिविटीज नहीं देख सकते, एक पर्सन रहना चाहिए, तो एम्प्लॉय भी तो पर्सन ही है ना। अच्छा, पर्सन रहना चाहिए एम्प्लॉइज के पास। अच्छा, डायरेक्टर्स के पास पावर्स होती है, ऐसा कहाँ लिखा है? एक्ट में लिखा है? कौन बोला एक्ट में लिखा है डायरेक्टर्स के पास पावर्स होते हैं? पावर्स कहीं लिखी नहीं है। पावर्स जैसे आप 179 पढ़ते हो ना, तो उसमें पावर्स तो बोर्ड लिखा है, वो एक डायरेक्टर के पावर्स नहीं है, वो बोर्ड के पावर्स है। वैसे बोर्ड के पावर्स मतलब क्यूमुलेटिव पावर्स है, सबके इकट्ठे वो कलेक्टिव पावर्स है, वो इंडिविजुअली किसी के पावर्स नहीं है। तो पावर अगर आप किसी डायरेक्टर को दे रहे हो ना, तो वो पावर दी गई है, उसको एक्ट के थ्रू नहीं मिली है। और दी किसने? शेयर होल्डर्स ने। शेयर होल्डर्स कैसे देते हैं? आर्टिकल्स में स्पेसिफाई कर देते हैं, है ना। सो अगर आप स्पेसिफिकली किसी को दे रहे हो या कलेक्टिव पावर्स दे रहे हो, तो आप कहाँ लिख देते हो? आर्टिकल्स में लिख देते हो। सो बट वो ऐसा नहीं कि अगर आपने किसी को बोला ना डायरेक्टर तू पावरफुल है, तो पावरफुल है नहीं, पावर्स दी है उसको आपने, है ना। वो एक्ट में कुछ भी नहीं लिखा है सब। हाँ जी, सो कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, एक एग्जीक्यूटिव मैंडेटरी है क्या? द आंसर इज नो। देयर कैन बी अ कंपनी विथ 25 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, बिल्कुल चलेगा। मेंबर्स कम है, डायरेक्टर्स ज्यादा है, बिल्कुल चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव है, बिल्कुल चलेगा। सारे एग्जीक्यूटिव है, 20 डायरेक्टर्स, 20 एग्जीक्यूटिव, 20 एग्जीक्यूटिव, श्योर एवरीवन, नो वन सीज अ प्रॉब्लम। 20 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एनीवन हैज अ प्रॉब्लम? बिंदास बोलना, सब डिस्कशन ही है। 1, 2, वेरी नाइस, ओके। क्या दिक्कत है सर? हाँ जी, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ओके बहुत बढ़िया। और सेम एक आध इंडिपेंडेंट, क्यों? इंडिपेंडेंट की क्या असर होता है? क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, मतलब सब अगर एग्जीक्यूटिव है तो सभी के पास पावर्स है, तो क्लैश ऑफ पावर्स है, बट चलता है, बिल्कुल चलता है। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि क्लैश है, स्पेसिफाई द ड्यूटीज कि कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, आप मेरे से ये पूछो कि अच्छा है या बुरा है, मैं बोलूँगा बुरा है। आप दूसरा मुझसे पूछो कि अलाउड है डिसअलाउड है, मैं बोलूँगा अलाउड है, है ना। फिर वो कंपनी को डिसाइड करने दो कि उसकी क्या ठीक है क्या गलत है, वो कंपनी शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे। बट एक्ट के हिसाब से परमिसेबल है क्या? द आंसर इज यस। सो देयर कैन बी अ कंपनी विद 100% एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, देयर कैन बी अ कंपनी विद 100% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ऑफकोर्स एक पर्टिकुलर केस कैटेगरी है जहां पर देयर शुड बी अ ब्लेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, वो आगे पढ़ते हैं। एज ऑफ नाउ ये देखना एक्ट के हिसाब से परमिसिबल है, आंसर इज यस। क्लियर है सबको? सो मिनिमम कितना? 1, 2, 3, मैक्सिमम कितना जा सकता है? 15। 15 के आगे जाना है जनरल मीटिंग में, यू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, यू कैन अपॉइंट एनी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कोई दिक्कत नहीं। मेंबर्स ज्यादा डायरेक्टर्स वो भी चलता है, कोई तकलीफ नहीं किसी को भी, एवरीवन। चलो आगे देखना, नेक्स्ट, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। हाँ जी, अच्छा, डायरेक्टरशिप्स का क्या मतलब है? एक इंडिविजुअल कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है इस डायरेक्टरशिप। तो मैक्सिमम डायरेक्टरशिप्स कितनी अलाउड है? 20। हाँ जी, मैक्सिमम कितनी है? 20। ये जो 20 है, इसमें ऑल्टरनेट भी इंक्लूड करोगे? अच्छा, कुछ चीज़ें अपन लोग रीड कर लेंगे, आपका थोड़ा ध्यान जाएगा। जैसे डॉर्मेंट कंपनी का अलग से रूल है, है ना, वो शायद कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने प्रॉपर्ली पढ़ा होगा। तो 20 के अंदर सभी को इंक्लूड करना, रेगुलर है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है? अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर। तो ओरिजिनल है ना, उसकी जगह कोई और आया, तो उसको भी आपको इंक्लूड करना है। सो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 20। अच्छा 20 में से पब्लिक कंपनीज में नॉट मोर देन 10। टोटल 20 पब्लिक में नॉट मोर देन 10। प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी है किसकी, पब्लिक, डीम पब्लिक कंपनी हो गई। इसे भी आप क्या ट्रीट करते हैं, पब्लिक कंपनी ट्रीट करेंगे। सो एनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। डन। चलो इसमें थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कुछ एडिशन है, वो एलओडीआर के हिसाब से आपको बता देता हूँ। ये यहाँ तक वाला पार्ट क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को भी है ना। सो जब आप ये बोलते हो ना नॉट मोर देन 10, ये 10 इज इंक्लूडेड इन 20। इट इज नॉट 20 प्लस 10, जो टोटल 20 है उसमें से ही पब्लिक में कितने से ज्यादा नहीं हो सकती है, 10 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अच्छा 10 10 चलेगा एवरीवन, 10 पब्लिक 10 प्राइवेट चलता है, 12 प्राइवेट 8 पब्लिक चलेगा, 8 पब्लिक 12 प्राइवेट, सेम चीज बोल रहा हूं यार, तो बिल्कुल चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। 12 पब्लिक 8 प्राइवेट, ये नहीं चलेगा, क्यों? 12 पब्लिक 12 प्राइवेट, 20 प्राइवेट 0 पब्लिक, 22 प्राइवेट 20 पब्लिक, क्यों? 20 पब्लिक नहीं चलेगा, क्यों? 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है एवरीवन? चलो चलो अब यार कुछ पार्ट थोड़ा रीड करते हैं जरा, आ गया इसमें। हाँ भैया, अच्छा ये ऐसे बहुत जगह पढ़ोगे, सेबी वाइड रीसेंट नोटिफिकेशन। रीसेंट मतलब इतना भी रीसेंट नहीं है कि आपको पता नहीं है, है ना, सब पुराने हैं ये। चलो सो अब ये 2010 वाला फंडा समझ लिया। अब ये थोड़ा सा देखना आप जरा लिस्टेड कंपनीज के हिसाब से क्या क्या नए नए रूल्स है, ये अपन लोग पढ़ते हैं साथ में। सो ये जो भी अभी आप पढ़ रहे हो दिस इज फॉर अ लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी के लिए रूल्स नहीं है, है ना। ये ओल्ड सिलेबस वाले प्लीज ध्यान में रखना। अच्छा आप सुनो एक बार, हाँ देखो न्यू को तो पढ़ना ही ऑप्शन नहीं है, ये आप ही की बुक है। ओल्ड में कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं है, कुछ चीज़ें जो मैं भी यहाँ पे बता रहा हूँ ना वो ओल्ड की बुक्स में नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है पढ़ लेना, है ना। जो पास्ट में पेपर्स पूछे इन्होंने, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है लोगों का, तो इसलिए पढ़ लेना, है ना। बहुत दिमाग नहीं, अपने 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा याद रखी तो कुछ मिस तो नहीं होने वाला है ना। सो प्लीज़ रीड दैट, ठीक है। मैं आपको जो भी नोट्स दे रहा हूँ उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। चलिए देखिए ज़रा, अ पर्सन शैल नॉट बी अ डायरेक्टर इन मोर देन 8 listed companies with effect from April 1, 2019. So ये इस April 2019 से maximum number of directorships in a listed company कितनी होगी? 8 in 8 listed entities. अच्छा मुझे एक बात बताइए, unlisted में चलेगी? listed में 8 बोल रहे हो, बाकी total 20 है, public में कितनी है? 10. ये जो listed है ये सब public ही होती है, तो 2 और पब्लिक अनलिस्टेड में रह सकता है एवरीवन, 10 प्राइवेट में रह सकता है। तो ये 8 लिस्टेड कंपनीज का इंटरप्रिटेशन ऐसा मत समझना कि उसकी टोटल डायरेक्टरशिप्स 20 से कम होकर 8 हो गई है, सिर्फ लिस्टेड में 8 है, टोटल अभी भी 20 है, पब्लिक में अभी भी नॉट मोर देन 10 ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। पहले 10 लिस्टेड में आप हो सकते थे क्या डायरेक्टर, पॉसिबल था पहले, लेकिन 1 अप्रैल 2019 से 10 नहीं हो सकती है, लिस्टेड कंपनी सिर्फ कितनी हो सकती है? 8। कितने लोगों को कंफ्यूजन है? हाँ पहले मैम पब्लिक में कितना अलाउड था? 10। टोटल कितनी अलाउड थी? 20। लिस्टेड कंपनी पब्लिक होती है प्राइवेट होती है? पब्लिक ही होती है। प्राइवेट कंपनी लिस्ट हो सकती है? एक पैर पकड़ के ऐसा लटकाऊंगा उल्टा, अगर किसी ने बोला था। तो कौन सी कंपनी लिस्ट होती है? पब्लिक कंपनी लिस्ट होती है। पब्लिक में 10 अलाउड था। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर वो 200 के 200 पहले लिस्टेड थी तो चलती थी। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर लिस्टेड है तो 8 ही रखो, 10 नहीं हो सकती। समझा? ये 1 अप्रैल 19 से और यही 1 अप्रैल 20 से 7। मैं क्या करूं, जो लिखा है मैं पढ़ा रहा हूं तुमको, मेरी क्या गलती है इसमें। तो 1 अप्रैल 19 से 8। अरे इसका लॉजिक है ऐसे, आप ऐसा मत समझना कि कुछ भी उठा के लिख दिया उन्होंने। सुनो एक मिनट क्या होता है। अभी जैसे आप देखेंगे ना, ये प्रैक्टिस है इंडिया में। ओके, से फॉर एग्जाम्पल जेन गोदरेज, सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ। Jane Godrej, he's one of the directors who is on the board of a lot of companies, right? Anu Aga, Thermax. She's been holding directorship in a lot of listed companies. तो क्या होता है, जैसे अनु आगा, let's say example के लिए समझते हैं कि she is one of the directors on the board of one of the Tata group of companies. अभी हर लिस्टेड कंपनी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है, सॉरी एक विमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है। अभी विमेन डायरेक्टर का मैस देखना यहाँ पे अभी नया आएगा। तो अब सपोज टाटा मोटर्स के बोर्ड पर आपने अनु आगा को अपॉइंट किया, तो क्या होता है कि टाटा ग्रुप की और भी 4-5 लिस्टेड कंपनीज है। एग्जाम्पल के लिए टाटा स्टील है, टाटा कम्युनिकेशन है, TTML है, राइट, TCS है, ऐसे बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज है। तो इफ़ शी इज़ अपॉइंटेड ऑन वन बोर्ड, कंपनी क्या करती है, विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना ही है, तो 5-6 टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में शी इज अपॉइंटेड। समझ में आया? तो यूजुअली जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं ना, वहां पर ये प्रैक्टिस बहुत प्रेवलेंट है कि अगर किसी एक इंडिविजुअल को आपने अपॉइंट किया ना, तो ही होल्ड्स दैट डायरेक्टरशिप ऑन मल्टीपल बोर्ड्स। सेम थिंग गोज फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एज वेल। मैं सिर्फ विमेन डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कि अगर कोई एक, जैसे जेन गोदरेज, सपोज ही इज अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ वन ऑफ द ये किर्लोस्कर ग्रुप ऑफ कंपनीज। अब किर्लोस्कर ग्रुप की 5 कंपनीज लिस्टेड है, तो वो क्या करते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट है ना, तो इन चारों में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं। लॉ की रिक्वायरमेंट है, फुलफिल हो जाती है। और दूसरा, आपको बहुत अलग तरीके की डाइवर्सिटी नहीं दिखती है, कंफर्ट रहता है बोर्ड का कि भाई मैंने एक को एक कंपनी के बोर्ड पर अपॉइंट किया तो 4-5 कंपनीज के बोर्ड पर अपॉइंट कर दिया। अच्छा, पुणे में नौशाद फोर्ब्स, फोर्ब्स मार्शल, नाउ ही होल्ड्स दिस डायरेक्टरशिप ऑन द बोर्ड ऑफ अ लॉट ऑफ कल्याणी ग्रुप ऑफ कंपनीज, अ लॉट ऑफ बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो एक कंपनी ने मैं अपॉइंट हुआ ना उस पूरे ग्रुप में, तो 3-4 कंपनीज में हम लोग अपॉइंट कर देते हैं। सेम इंडिविजुअल है। अब जब बोर्ड मीटिंग अटेंड करने आता है तो मेरे ट्रैवल के एक्सपेंसेस बच जाते हैं, राइट, एक ही बार आएगा। अच्छा, उसके बाद मेरा स्टे का एक्सपेंस बच जाता है। अगर मैं सबको अलग अलग अपॉइंट करूंगा तो मेरे को सबका अलग अलग स्टे देना है, तो ऑपरेशनली भी ईजी हो जाता है, मैनेज करना भी आसान है। और एक ट्रस्ट वाली बात होती है कि मेरे पूरे कंपनी के, सारी ग्रुप कंपनीज के बोर्ड पर हूँ, राइट, वो वाला फैक्टर रहता है। तो ये प्रैक्टिस है। ये प्रोविजन क्यों आया, आप इसका फंडा समझना। अच्छा देखो, पब्लिक कंपनीज को इन्होंने टच नहीं किया, प्राइवेट कंपनीज को इन्होंने टच नहीं किया, सिर्फ किसको टच किया, लिस्टेड कंपनी। पहला, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट रीजन। सेकंड, लिस्टेड कंपनीज के ऑपरेशंस नेचुरली ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एन अनलिस्टेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसलिए उन्होंने उस फोकस को थोड़ा सा लिमिटेड रखा है कि आप बहुत ज्यादा कंपनीज के बोर्ड पर भी ना रहो। तो वो सोच कर इन्होंने ये रेस्ट्रिक्शन लाया। और आप देख लेना, ये फैक्ट है, एग्जाम में मत लिख के आना, 5 साल ये जो आपको 8 और 7 के नंबर देख रहे हैं ना, ये 3 और 5 पे आ जाएंगे इवेंचुअली, क्योंकि फोकस चला जाता है। अब मैं जैसे, अभी आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अभी मैं आपको 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए बोलूंगा तो आपका फोकस डिवाइड होता है। तो सेम थिंग, अब लिस्टेड कंपनी के क्या होते हैं, ऑपरेशंस बहुत बड़े होते हैं, एजेंडा बहुत ज़्यादा होता है, तो नेचुरल सी बात है आपका फोकस डिवाइड होता है। तो धीरे धीरे, अच्छा अब मैं 15 लिस्टेड कंपनीज के बोर्ड पर डायरेक्टर हूँ आज, मेरे को एक प्रोविजन आता है और बोलता है कि 6 महीने के अंदर, ये अक्टूबर 18 का प्रोविजन है और इफेक्टिव कब से, 1 अप्रैल 19, 6 महीने का टाइम दिया आपने उसको। क्या बोला, 6 महीने में अब तेरे को वो 15 से लिस्ट तेरी कर्टल डाउन करके 8 पे लानी है, मतलब मेरे को 7 कंपनीज के बोर्ड से रिजाइन करना है। अच्छा, मैं तो रिजाइन कर दूंगा, मुझे तो क्या एक पेपर लिख के साइन करना है कि भाई कल से मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, लेकिन उस कंपनी को भी सोचना है कि अगर ये रिजाइन कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं दूसरा एक और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेकर आना है। तो इस वजह से ये जब भी इस तरीके से रिडक्शन होते हैं ना, दैट्स ऑलवेज डन इन फेस, राइट। तो इसलिए उन्होंने अभी 8 बोला है, अगले साल उसको 7 कर दिया, ये रीजन था। अगर समझ में आया तो आपको हमेशा याद रहेगा, अगर समझ में नहीं आया तो याद कर लेना। अप्रैल 19 8, अप्रैल 20 7, याद रहेगा, लिस्टेड कंपनीज है ना। हाँ, आगे वो देखेंगे 5 और 6। आगे देखो, रीड करना साथ में। फर्दर इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट सर्व एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज। ये आई थिंक जो LODR पढ़ चुके हैं सिक्योरिटीज का, आपने ये सेम उधर भी पढ़ा होगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप्स मैक्सिमम कितनी हो सकती है इंडिविजुअल की? 7, मतलब वो 7 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? दोनों में डिफरेंस है। इंडिपेंडेंट हाँ जो नॉन एग्जीक्यूटिव है, लेकिन जब आप बोलते हो डायरेक्टर, सॉरी इंडिपेंडेंट मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव और उसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस फुलफिल करता है। हेलो। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और भी बहुत सारी कंडीशंस फुलफिल करता है। विज़ आप करो तो सिर्फ एक नॉन एग्जीक्यूटिव है, हो सकता है इंडिपेंडेंट हो सकता है इंडिपेंडेंट ना हो, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप कितनी हो सकती है? 7। 1 अप्रैल 19 लिस्टेड कंपनीज डायरेक्टरशिप्स 8। 1 अप्रैल 20 लिस्टेड कंपनीज डायरेक्टरशिप्स 7, इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप्स 7। अब इसमें एक और राइटर है, पढ़ना। फॉर द पर्पज ऑफ सॉरी नॉट विथ स्टैंडिंग द अबव, जो अभी तक पढ़ा है उसको साइड में रखना। आगे क्या लिखा है? एनी पर्सन हु इज सर्विंग एज अ होल टाइम डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर इन एनी लिस्टेड कंपनी shall serve as an independent director not more than 3 listed company। ये भी आपने LODR में पढ़ा है, ये नया प्रोविजन नहीं है, ये LODR के ही प्रोविजन है। जिसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा है ना उसने सब क्लॉजेस पहले पढ़े होंगे। मतलब क्या है कि इसको ऐसे समझना, X, एक मिनट देखना ध्यान से, X इज अ होल टाइम, X की टोटल डायरेक्टरशिप्स 15 है। बस ये एक लिख लेना, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। इसकी टोटल डायरेक्टरशिप्स कितनी है? 15 है। 2 मिनट पहले देख लो, सुन लो, फिर आराम से लिखना, मैं आपको टाइम दे दूंगा, ठीक है? और मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो 15 डायरेक्टरशिप्स है ना, इसमें से 10 डायरेक्टरशिप्स लिस्टेड है और 5 डायरेक्टरशिप्स इसकी प्राइवेट कंपनी में। समझ में आ रहा है? ये मैं पोजीशन बता रहा हूं आपको 1 अप्रैल 2018 की। 10 डायरेक्टरशिप्स लिस्टेड कंपनी में, 5 डायरेक्टरशिप्स कहां पर है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, ठीक है? अच्छा, जिन 10 कंपनीज में डायरेक्टर है एज ऑफ नाउ अज्यूम करते हैं उसमें एक भी होल टाइम डायरेक्टरशिप नहीं है उसकी, सारे नॉन एग्जीक्यूटिव है। होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट इज अ होल टाइम डायरेक्टर। इसकी एक भी होल टाइम डायरेक्टरशिप नहीं, सब जगह क्या है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरशिप। सब लोग साथ में, एवरीवन। अब पहला रूल अगर मैं अप्लाई करूं तो इसको बाय 1 अप्रैल 19 क्या इंश्योर करना है कि ये जो लिस्टेड कंपनीज जिसमें इसकी डायरेक्टरशिप 10 है, इसको लेकर आना है 8 पे। समझ में आ रहा है? 1 अप्रैल 20 तक 7 पर लेकर आना है। तो 10 से 8, 8 से 7, ये पार्ट क्लियर है। अब दूसरा, इसमें क्या कहना है इनका कि इसी डेट पर इसकी लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टरशिप्स कितनी हो सकती है? 8। अब अगर इस 8 में से अगर इस 8 में से किसी भी एक कंपनी में, आउट ऑफ दीज 8 कंपनीज, अगर वो किसी भी एक कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है, सी आप लॉजिक समझना, होल टाइम डायरेक्टर मतलब वो पूरा टाइम एक कंपनी को दे रहा है। अब अगर वो पूरा टाइम एक कंपनी को दे रहा है और उसके अलावा 7 लिस्टेड कंपनीज और 5 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में अगर वो डायरेक्टर है, तो उन बाकी कंपनीज को वो टाइम दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। समझ में आ रहा है रीजन क्या है? तो इसलिए इसको क्या बोला कि अगर तू किसी भी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है, ये वाली अगर पॉसिबिलिटी है, तो तेरी बाकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप्स सारी कंपनीज में मिला के कितनी हो सकती है? 3, मैक्सिमम 3, नॉट मोर देन 3। समझ में आ रहा है? अच्छा, नॉर्मली अब ये 2 अलग अलग रूल्स हैं। ये किस चीज के लिए? ये है डायरेक्टरशिप्स के लिए, 8 और 7। ये किसकी डायरेक्टरशिप्स है? ये लिस्टेड कंपनी की डायरेक्टरशिप्स है। समझ में आ रहा है? पहला। अब मैं आपको दूसरा रूल जो बता रहा था कि अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप की बात करूं तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितनी कंपनीज में हो सकता है? 7। डायरेक्टरशिप अलग है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप अलग है। डायरेक्टरशिप इंक्लूड्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप। समझ में आ रहा है? मतलब वो हो सकता है इंडिपेंडेंट हो सकता है नॉन इंडिपेंडेंट हो सकता है एग्जीक्यूटिव हो सकता है नॉन एग्जीक्यूटिव, कुछ भी हो, वो सब मिला के क्या है? डायरेक्टरशिप्स है। वो सब मिला के क्या है? डायरेक्टरशिप्स। तो ये जो डायरेक्टरशिप्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये 8 और 7 सिर्फ लिस्टेड कंपनी की है, सिर्फ लिस्टेड। go back to the same provision, original. Total dictatorships कितनी हो सकती है? अभी भी 20 है, ठीक है? Public में कितनी हो सकती है? Not more than 10. अभी भी public में not more than 10. अब 1st April 19 से listed companies में कितनी हो गई? 8. 10 अभी भी है. 10 नहीं बदली है. क्यों? क्योंकि वो 10 क्या था? Not more than 10 public था, है ना? अच्छा, अभी भी सेम है, उस रूल में कोई चेंज नहीं आया. इस 10 में से लिस्टेड कितनी हो सकती है? 8. पहले अगर 10 के 10 लिस्टेड थी तो चलता था, अब कितनी होगी? 8. ये समझ में आ रहा है एवरीवन? अच्छा, अप्रैल 20 से कितना हो जाएगा? 7. यहां तो कोई कंफ्यूजन एनीवन? ये पहला बात होगी डायरेक्टरशिप की. अब मैं बात कर रहा हूं इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप की. मैं 8 लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर हूं, ठीक है? कितनी कंपनीज? 8 लिस्टेड. उस 8 में से मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितनी कंपनी में रह सकता हूं? 7. कितनी कंपनीज में रह सकता हूं? 7 में सब लोग. अच्छा, अगर किसी भी कंपनी में मैं होल टाइम डायरेक्टर हूं तो 7 नहीं 3, तो 7 नहीं 3. मतलब अगर मैं सब जगह नॉन एग्जीक्यूटिव हूं तो 7 कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं. डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की. लेकिन अगर मैं होल टाइम डायरेक्टर हूं किसी कंपनी में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं, तो उस केस में मेरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप्स 3. कितनी होगी? 3. बोलो कोई कंफ्यूजन हो तो. हाँ जी, ये सब लिस्टेड के हिसाब से, सारा लिस्टेड के हिसाब से ही बता रहा हूं आपको. फटाफट बता दूं एक बार जल्दी से, ध्यान से सुनना. हाँ, टोटल डायरेक्टरशिप्स 20, पब्लिक में नॉट मोर देन 10, है ना? हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है? नहीं. लिस्टेड में नॉट मोर देन 8 अप्रैल 19, लिस्टेड में नॉट मोर देन 7 अप्रैल 20. ये क्या है? डायरेक्टरशिप्स है. ये क्या है? डायरेक्टरशिप्स है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप्स नहीं है. क्या है? डायरेक्टरशिप्स है. आउट ऑफ ऑल दीज डायरेक्टरशिप्स, राइट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितनी कंपनीज में हो सकता हूं? 7. कितनी हो सकती है? 7. अगर मैं किसी भी एक कंपनी में अगर होल टाइम डायरेक्टर हूं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप जो पहले 7 थी अब 3 है. अब कितनी है? 3 है. याद रहेगा? 20, 10, 8, 7, 7, 3. 20 क्या है? टोटल. 10 क्या है? 8 क्या है? 19. 7 क्या है? लिस्टेड डायरेक्टरशिप. 20. 7 क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप्स. और 3 क्या है? इंडिपेंडेंट इफ देर इज अ होल टाइम डायरेक्टरशिप. क्लियर है? तो बस ये ऐसे ध्यान रखना. 10, 8, 7, 7, 7, 3. ये अलग 1 7 एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने. अब लिख लो भाई फटाफट. ये क्या चीज़ है? कुछ आप ऐसा थोड़ा रीड करोगे ना तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. मतलब ये फिट हो जाएगी. एक बार सुन लिया और पढ़ लिया ना तो फटाफट रजिस्टर हो जाएगा, फिर टाइम नहीं लगेगा. और छुट्टी मत मारना प्लीज, है ना? 100 रुपये अपनी जगह है, लेकिन क्लास आ जाना. ये सच में बहुत थोड़ा क्रिटिकल वाला पार्ट है ना? अभी तक मैं एक्चुअली वो उस चैप्टर से इसलिए स्टार्ट किया कि एकदम से सब बम गिराऊंगा ना तो घबरा जाओगे आप लोग, इसलिए थोड़े बेसिक वाले टॉपिक्स पढ़े. अब ये अच्छे टॉपिक्स हैं. क्या लिखना है इसके आगे पता है ना? बोल दूं? 20 के आगे लिखो टोटल, 10 के आगे लिखो पब्लिक, और पब्लिक के बाद ना ब्रैकेट में लिख लेना लिस्टेड अनलिस्टेड. कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। 8 जो लिखा है उसके आगे लिखो लिस्टेड अप्रैल 19। 7 जो लिखा है उसके आगे लिखो लिस्टेड अप्रैल 20। नीचे वाला जो 7 है उसके नीचे लिखना इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप। और 3 जो है independent directorship if there is a full-time directorship. कोई कंफ्यूजन? कंक्लूड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम हो गया ना?